77th एडिशन कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि शुरू होने वाला है मई 14 से मई 25 में। इसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के अलावा बॉलीवुड के धमाकेदार सेलेब्स भी एंट्री लेते हैं रेड कारपेट पे। हम आपको बताएंगे उन सितारों के नाम जो कि टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी जगह बना चुके हैं। नंबर वन पे आती है हिना खान। हिना खान ने डेब्यू किया था कांस फिल्म फेस्टिवल में 2019 में, जब वो रेड कारपेट पे अपनी बॉलीवुड मूवी को लॉन्च करने के लिए आई थी। मूवी का नाम था लाइन्स। और 2022 में भी वो आई थी जब उन्होंने अपनी मूवी का पोस्टर लॉन्च किया था, और इस बार वो मूवी थी कंट्री ऑफ ब्लाइंड। नंबर टू पे नाम आता है हेली शाह का। हेली शाह भी जानी मानी बॉलीवुड की स्टार है और वो भी टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और अपने डायरेक्शन को टर्न करने के लिए वो 75th कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक करती हुई नज़र आई थी। नंबर थ्री पे आती है सपना चौधरी। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी भी 2023 में कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी जगह बना चुकी है। टीवी की बात करें तो वो बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है। सपना चौधरी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रही थी कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। अगला नंबर आता है अमन गुप्ता का। बोट कंपनी और शार्क टैंक के मालिक अमन गुप्ता आपको बता दें कि डेब्यू कर चुके हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में 2023 में। उनकी वाइफ प्रिया ने भी उनके साथ में यहाँ पर डेब्यू किया था और इन्होंने भी रेड कारपेट पे वॉक की थी। फिर नाम आता है गौतम गुलाटी का। बिग बॉस दिया और बाती हम में स्टारर गौतम गुलाटी 2014 में पहली बार नज़र आए थे कांस के अंदर, जब अपनी फिल्म डरपोक को वो यहाँ पर शूट करने के लिए आए थे, उसके लिए आए थे, प्रमोशंस के लिए आए थे। गौतम गुलाटी के बाद बात करें तो यह है कश्मीरा शाह। कृष्णा अभिषेक की पत्नी भी यहाँ पर आ चुकी है 2019 में, और कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने भी धमाकेदार अपने ब्लू ड्रेस में सभी को चौंका दिया था। इसके बाद नाम आता है अविका गौर का। अविका गौर जो कि बालिका वधू फिल्म स्टार है और रिसेंटली आंध्र रसल के साथ सॉन्ग किया है, वो भी 2017 में आ चुकी है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर नज़र, और उस दौरान उन्होंने एक शोल्डरलेस गाउन पहना था ब्लू कलर का, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही थी। इनके अलावा सौम्या टंडन, भाभी जी घर पर है कि एक्ट्रेस 69th कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर नज़र आई थी और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नाम यहाँ पर कमाया था। तो ये है वो टीवी सेलिब्रिटीज़ जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपना जलवा बिखेर चुके हैं। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल खेलो खेलो।